सिंधी युवा वर्ग ने आज सिंधी परिवार सेवा समिति का गठन किया है, जिसमें अभी तक 250 युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं। इसमें मुख्य रूप से संगठन को बढ़ाने के लिए किशोर तेजी नानी ने बताया कि यह संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें राजनीति ना करते हुए सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इस बीच विक्की बाबा ने बताया कि इस संगठन को लेकर हम कैसे काम करने जा रहे हैं, जिससे हमारे समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कैसे भी आवश्यकता होगी, जैसे कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है और उसके माँ बाप के पास धनराशि नहीं है, उसे धनराशि दी जाएगी। वहीं विक्की बाबा ने बताया कि जिन परिवारों के पास धनराशि ना हो, जिसकी वजह से वह अपने बेटे या बेटी की शादी ना कर सकते, उनके लिए भी धनराशि का इंतजाम सिंधी समाज सेवा समिति करेगी। यही नहीं, कोरोना के चलते कई घर बेघर हो गए हैं, ऐसी बीमारी आ गई है जिससे वह अपने दवाई का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे परिवार के लिए सिंधी परिवार सेवा समिति सदैव तैयार है। ये आपने जो आज कार्यक्रम रखा है, इस संबंध में रखा है? ये हमने कार्यक्रम रखा है कि जो लोग त्रस्त हैं उनको उठाने के लिए, सेवा के कार्य में उनको उठाने के लिए किया है। कार्यक्रम रखा गया है, किस संबंध में रखा गया है? एक्चुअली ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, ये एक हमारे सिंधी सेवा परिवार समिति है जिसका गठन हमने आज किया। आप हमारे जो समाज के, जितने सिंधी समाज के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में धनराशि नहीं है, उनको धनराशि मुहैया हम मालूम कराएंगे अपने सिंधी समाज की समिति की तरफ से। दूसरा, जो लोग आप देख रहे हो कोरोना काल, पिछली बार भी पिछले महीने कोरोना काल गया है, बहुत लोग ऐसे परिवार जो लोग सारी बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, उन लोगों को हम लोग पूरी धनराशि उपलब्ध कराएंगे।